मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 और आज की शुरुआत हो रही है हमारी किचन से। भाई शेफ हमारा देखो चाय बना रहा है, तो ब्रेड ऑमलेट बन चुका है। भाई हमारा शेफ है, एक भाई अपना टिकट रिजर्व कर रहा है, दूसरा भाई जाने वाला है शायद रिजर्व करने, और मैं जाऊंगा बाहर। किचन से भी व्यू अच्छा है यार, ये देखो इधर अपर ऑर्चर्ड से, इधर भी अपर ऑर्चर्ड, चारों साइड मौसम काफी क्लाउडी आज। और सुरजीत भाई, और क्या खाने का प्लान है? चाय भी बना लिया तुमने तो यार, हलवा पूरी की कचौड़ी। हां हलवा पूरी की कचौड़ी भाई सब देखो आज का मेन्यू, ये लंच मेन्यू, लंच में बनेगा भाई पूरी, हलवा और खीर। क्या ये जा रहे हैं हमारे, बनाएंगे ब्लॉगर साहब। अच्छा मैं बना रहा हूँ, अच्छा गाइज हम आ गए हैं लंच करने लेजी डॉग कैफे, काफ़ी अच्छा कैफे है यहाँ का, और इसका मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। आई थिंक लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा जब मैं मनाली वाली सीरीज आप बनाया था, इस वक्त यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही खाली है। उस वक्त हम रात को आए थे, रुको आपको दिखाता हूँ आगे से। वो देखो यार, एक बंदा वहाँ बार टेबल पर काम कर रहा है हमारा, और कुछ ऐसा कैफे है पूरा इधर, हम अभी ऊपर बैठे हैं। और ये देखो अभी आपको दिखाता हूँ इस साइड, ये देखो यार, ये आप यहाँ पे बिल्कुल मस्त साइड में बैठ के रिवर व्यू एंजॉय कर सकते हो। ये देखो अभी एक्चुअली जब जुलाई अगस्त में बाढ़ आई थी तो ये पानी का लेवल बिल्कुल ऊपर तक आ गया था, बता रहे यहाँ के। एक तो हम जहाँ एक ब्रिज को, बहुत ही सुंदर ब्रिज थी यार, वो ब्रिज टूट गया एक्चुअली पानी के फ्लो से। तो अभी बस हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, थोड़ी देर काम करेंगे एंड देन वापस कहीं और जाएंगे। Many minutes later. गाइस इधर का व्यू देखो यार, ऑलमोस्ट मैं अभी 2.5 किलोमीटर का वॉक कर चुका हूँ हमारे एयरबीएनबी से। मुझे देखो यार साइड में बहता पानी, बहुत ही चिल्ड वाटर मैंने छुआ था, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी है। उधर देखो यार सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स, और उधर ऊपर आई थिंक बर्फबारी हुई अभी, और भी फ्रेश। वैसे प्रेडिक्टेड तो आज था इधर, पर नहीं हुई है बर्फबारी। इधर भी देखो यार, ये अपना उस साइड हाईवे, हाईवे के साइड ये पलचन गांव है, आई थिंक ये बरवा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये पलचन गांव आता है। ठंड थोड़ी ज़्यादा है, ये देखो यार चेहरा भी बिल्कुल लाल हो गया है। ऑलमोस्ट अब कितने हो गए, यस 3 किलोमीटर का वॉक कर चुका हूँ। एक्चुअली उतरना इजी था, डाउनहिल था, अब अपहिल चल रहा हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेन है पर हम मस्त है यार, ठंड भी है तो इसलिए। और इस साइड जो है बस एक्सप्लोर करने गया था कि क्या क्या है इस साइड, हमारे छोटे मोटे स्टोर्स भी हैं, बहुत सारे होटल्स बन रहे हैं अभी, एक्चुअली होम स्टेज हैं इधर। आज ही पता क्या उधर टनल के साइड जाने दे रहे नहीं है यार, इशू यही है बहुत बड़ा, तो देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। The next day. Guys, morning and welcome to my vlog. आज है day 4, ये कल का ही व्लॉग का कंटिन्यूएशन है क्योंकि कल हमने ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि कल शाम को हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं, बारिश हो रही है, और आज सुबह से भी, सुबह क्या रात से कहूँ, बारिश ही बारिश चल रही है। इस साइड बारिश हो रही है, मेरे ख्याल से अटल टनल के दूसरे साइड केवल बर्फ गिर रही है, ये मैं बता सकता हूँ क्योंकि जो बाहर सिचुएशन है उसके हिसाब से यही पता लग रहा है, उस साइड बर्फ है इस साइड बारिश है। तो अभी फिलहाल मैं और सुरजीत जा रहे हैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का सामान लाने को। ठंडी अच्छी खासी हो गई है, -4 पे है अभी टेम्परेचर भाई लोग। पहले सोचा वॉक करके जाऊं, बाहर गया ऊपर तो भाई रेनकोट था बच रहा था, पर नीचे भीगने लगा था। फिर मैं अपने सुरजीत भाई को उठाया, बहुत तेज मारा भाई। कहां मारा बताओ जरा, तो भाई कह रहा है गीला हो जाऊंगा लड़कियों की तरह, हैं गाड़ी में बैठ के जाना और गीला हो जाऊंगा, बताओ। बारिश इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब इनको लग रहा है कि इतनी सर्दी, -टेम्परेचर आई थिंक होगा, -4 है भाई। हाँ, और उसमें बारिश में घुमा रहे हैं बताओ, और क्या सुबह सुबह बारिश में घूमने का मजा अलग है यार। एक आदमी जो है वो लेटा पड़ा है अभी भी, राजा जी सो रहे हैं अभी।
राजा जी के लिए हम जा रहे हैं चाय का इंतजाम करने, मैं अपनी कॉफी का इंतजाम करता हूँ। मेरे साथ अगर घूमने आओगे तो बिना बारिश के जाओगे? हाँ, ये तो भाई सच्चाई है। हम अब इस पे कुछ बोल नहीं सकता मैं यार, आप लोगों ने भी देख ही लिया होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में भी, जब जब हम पहाड़ आए और सुरजीत के साथ आए, मैं तो हमेशा इसी के साथ ही आया, तब तब हमने बारिश का सामना किया है। इस बार भी वही हो रहा है, इस बार था रहे तो भीगने का डर नहीं। हाँ। और सुरजीत क्या लगता है, मैं बर्फ गिरते हुए आज दिखेगा क्या? घंटा तीन दिन से तो बर्फ के इंतजार में बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं बेटा जब तक उधर नहीं जाओगे हम नहीं देख, क्या करें, यहाँ तक तो जा ही नहीं पाएंगे, लग नहीं रहा खुलेगा। अपडेट लाहौल स्पीति, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है, वो आएगा 10-11 बजे अपडेट। तो आज हम टप्पल जा रहे हैं, अब देखना पड़ेगा बारिश की स्थिति। बारिश तो ऐसे ही रुकेगी फिर चलेगी, तो वहां जाके भी क्या फायदा, फिर से दोबारा बारिश में हिडिंबा टेम्पल नहीं जाना था, सेकंड टाइम बारिश में। तो चलो ट्रक करने जाते हैं जोगनी पास। भाई ले लो किसी से वाटर। अच्छा राइट, आपके पास तो अरे बूट से ही मिल रहे भाई, आगे दुकान बहुत सारे ऊपर तो रेनकोट लाया हूँ मैं, वो वाली राइनोक्स। और सुरजीत भाई को देखो मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक है भाई, तुमसे ज्यादा नहीं आते। मेरे को कहाँ आते यार, कुछ बना रहे हैं, उम्मीद तो ज्यादा नहीं करेंगे। मैगी का पैकेट दिख ही रहा होगा और कढ़ाई में मैगी भी दिख रही होगी, बहुत सारी मैगी। हाँ तो अब भाई यूट्यूबर से भी मिल रही, लोगों में चार मैगी बन रही है, क्योंकि भाई आज बारिश ही बारिश हो रही है, सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई लोग। जब हम सोचते हैं बाहर जाए बारिश गिरने लग रही है, और बारिश में पहाड़ों में जाओगे कहाँ। तो खाना भी हमने सोचा कि मैगी अभी खा लेते हैं, वैसे सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट खाया था मैंने, मत बोलो, अंडा खिलाया था मैंने सुरजीत भाई को, मस्त अंडा ऑमलेट राइट, बिल्कुल ब्रेड के साथ। अभी इन लोगों के लिए मैगी बना रहा हूँ, और साथ में सुरजीत भाई चाय भी बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ सुरजीत भाई। कलर अच्छा आ रहा है ना मैगी से, अच्छा कलर चाय का है ना। मैगी के कलर तो दिखा दो ढंग से, मैगी कलर मैगी अभी अच्छी बन रही है अभी ना, मैगी में कुछ दिख रहा है, प्याज तो गायब है, प्याज भी आई डोंट नो, पता नहीं कहाँ कुछ है। खैर छोड़िए सब ये बकवास, बाहर दिखाओ यार, बाहर का देखिए क्या हाल चाल है। अरे भाई बाहर नहीं दिख रहा है कि बारिश हो गई है, और मतलब इतना क्लियर व्यू नहीं है, आप नहीं दिख पा रहे होंगे। एक मिनट ओपन कर लेता, लो फाइनली विंडो ओपन कर दी है, और नाउ यू कैन सी द परफेक्ट नज़ारा, और अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। चलिए हाँ उसको और दिखा दे, एक और तीसरे बंदे को क्या कर रहा है। टिंग टिटिंग टिंग टिटिटिंग टिंग टिटिंग टिटिंग टिंग, देखो ये काम कर रहे हैं, सॉरी वो कॉल पर है, अंदर चलो चलो अंदर आओ। हाँ देखते गाइस अभी अगर कुछ बाहर जा पाए जाएंगे तो शायद कुछ खाने के लिए जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना मैंने मैगी खाने के बाद भी, मैगी खाने के बाद फिर तो भूख लगेगी, तो मैं 3-4 बजे ओके फाइन गॉट इट, क्योंकि कल शायद वेदर पूरा क्लियर दिख रहा है, तो फुली कल हम शायद जोगनी फॉल्स या तो हिडिंबा टेम्पल दोनों में से एक तो जाएंगे। तो द नेक्स्ट डे मॉर्निंग गाइस, आज आई थिंक डे 5 या डे 4 आई नवंबर। इशू ये है यहाँ पे आज जाके धूप निकली, कल तो फुल डे बारिश थी, हमने तो कल कुछ किया नहीं, और आज भी जो है मेन टर्नल के दूसरे साइड जाने दे रहे नहीं है, क्योंकि उधर स्नोफॉल हो गई थी जिसके कारण बंद है रास्ता, तो जो हमारा एम था उधर जाना वो तो हो नहीं पा रहा। आप इधर ही देख लो, ये देखो इधर सारा कल रात स्नो हुआ है ऊपर, इधर इधर सारे पीक्स पे सारे स्नो हुआ है, तो इधर स्नो है। फिलहाल हम जा रहे हैं शायद हिडिंबा टेम्पल, भाई लोग अपने अभी तैयार हो रहे हैं तो वहाँ जाते हैं, वैसे पिछले बार भी जा चुका हूँ मैं उधर तो, पर हाँ जो हमारा एक पार्टनर है उसने देखा नहीं है तो उसको ले जा रहे हैं घुमाने, एंड आई थिंक
कल शायद जुगनी फॉल जाए अपन ट्रैक करके, एंड प्रॉब्ली फ्राइडे को यहाँ से निकलने का प्लान हो सकता है, क्योंकि अभी कुछ डिसाइडेड नहीं, क्योंकि आगे जाने दे रहे नहीं और यहाँ रुकने का कुछ फ़ायदा दिख रहा नहीं है। तो चलो जी, अगला अपडेट आपको आगे देते हैं। और भाई अच्छा, क्या कहते हो? हाँ भाई सही कह रहे हो, अच्छा मौसम हो रहा है। दोनों भाई चश्मे में आ गए। हाँ। गाइस अभी हम जा रहे हैं, कौन सा यार है, ढुंगरी वन विहार। 10 रुपये एंट्री टिकट है, देखते हैं। लास्ट टाइम इधर नहीं गए थे हम, मैं सुजीत, बारिश होने लगी थी, तो इस बार जा रहे हैं। गाइस ये रहा वो हिंडम्बा माता का लेक, और देखो यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है। हमारा भाई पोज मार रहा है, बिल्कुल मस्त मस्त पोज। और ये रहा हमारा फोटोग्राफर, बिजी है भाई अभी फोटो लेने में। आगे पता नहीं कहाँ शूटिंग पॉइंट है, चल के देखते हैं। वैसे तो ये गोल सा घूम गया यहाँ पे रास्ता है। शूटिंग पॉइंट भाई किधर है? चलो ढूंढते हैं शूटिंग पॉइंट। गाइस शूटिंग पॉइंट कहाँ है यार? सुजीत मैं कितनी बार कहा यार, बालों के पास नॉट वेरी हैप्पी। क्यों? जगह देख और किसके साथ आया हूँ तू वो। अरे सब व्लॉग में रिकॉर्डेड, नो वरीज ब्रो। भाई को बहुत दुख है ना सुजीत भाई? इसको बहुत दुख है ना अकेले आने का हमारे साथ? नहीं नहीं दुख यार, हद है। सुरजीत तू तो कल रो भी रहा था, ये मैंने कुछ कहा? Thank you.